नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। मेरे चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। इस समय मैं आपके साथ चुनाव से संबंधित बातें कर रहा हूं। आपको लगेगा कि कहां संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और कहां ये चुनावी बातें, लेकिन जीवन में व्यक्ति की अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जवाबदारियां होती हैं। इलेक्शन के समय लोगों को ट्रेनिंग देने की मेरी जवाबदारी होती है और मैं संस्कृत का प्रोफेसर हूँ, इसलिए इन दोनों चीज़ों का आज मैं इस वीडियो में, जो चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, मैं शुरू से लेकर आखिरी तक आपको टू दी पॉइंट कुछ बातें ऐसी बताता हूँ जिनको आप बड़े ही ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने टीम के लीडर हैं, इसलिए आप सबसे श्रेष्ठ हैं, ये आपको समझ के चलना है। और अगर आप श्रेष्ठ हैं तो आपको दूसरों के मान सम्मान का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है, बच्चा घर में शैतानी करे तो श्रेष्ठ की ये जवाबदारी है कि उसको माफ भी करेगा, ऊपर से उसको खाने के लिए भी पूछेगा। यानी आपके ऊपर है कि आपकी टीम दो दिन तक आपके साथ किस प्रकार से व्यवहार करेगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने व्यवहार पे बड़ा ही ध्यान देना है। दूसरी चीज ये है कि किसी को क्या आता है क्या नहीं आता है, आपको सब कुछ आना चाहिए। मॉक पोल, सीलिंग, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकेंड पोलिंग ऑफिसर, थर्ड पोलिंग ऑफिसर, जो भी कोई क्या करता है आप ये नहीं देख सकते हैं। सबके काम पे आप नजर रखेंगे, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर कुछ नहीं आता है तो आपको सब कुछ आना चाहिए, जिससे कि आप कभी भी किसी का कोई काम अटके तो उसको योग्य रास्ता बता सकें कि भैया आप ऐसे कर लो तो ये काम ऐसे आसानी से हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आपके यहाँ मॉक पोल, सीलिंग और ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई और मतदान आपके यहाँ सुचारू रूप से चलने लग गया है, तो मतदान के दिन कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जब आपको तुरंत ही कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। कुछ बातें जो आपके मतदान से संबंधित हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे कहेंगे कि अगर किसी कारण से आपके सीयू में कोई खराबी आती है, आपके कंट्रोल यूनिट में कोई खराबी आती है, तो आपको कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट यानी बीयू, तीनों बीयूसी और वीवीपैट तीनों ही बदलने होंगे। अगर आपके बैलेट यूनिट में कोई खराबी आती है तो आपको उस कंडीशन में भी बीयूसी और वीवीपैट तीनों बदलने होंगे। हाँ, अगर आपके वीवीपैट में कोई खराबी आती है तो आप क्या करेंगे, अपने जो सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, उसको स्विच ऑफ कीजिए, वीवीपैट का कनेक्शन निकालिए, दूसरा वीवीपैट उसमें लगाइए, दूसरा यूनिट, तो उस समय आपको खाली वीवीपैट बदलना है और आपको इस स्थिति में कोई मॉक पोल करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको मॉक पोल नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि इलेक्शन के दरमियान 4 घंटे का वोटिंग हो गया है और आपकी मशीन खराब हो जाती है, आप दूसरी मशीन इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपको मॉक पोल नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे बिल्कुल जवाबदार व्यक्ति के तौर पे ये कह रहा हूं कि उस स्थिति में आपको मॉक पोल नहीं करना है। तीनों यूनिट बीयूसीयू वीवीपैट बदले जाएंगे तो भी आपको मॉक पोल नहीं करना है, खाली वीवीपैट बदला जाएगा तो भी आपको मॉक पोल नहीं करना है। हाँ, ये आपको मालूम होना चाहिए कि वीवीपैट की बैटरी लो हो गई है इसलिए वो काम नहीं कर रहा, तो उसकी बैटरी बदलिए, पूरा वीवीपैट मत बदलिए। लेकिन अगर उसका प्रिंटिंग सेक्शन खराब हो गया है, कोई प्रिंटिंग स्लिप लटक गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको वीवीपैट बदलना होगा। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना मत दिया है और उसकी स्लिप वहां बीच में फंस गई है, जो नीचे नहीं गिर रही है, तो ऐसी स्थिति में वो वोट काउंट नहीं होता है। हम काउंटिंग के समय उसको माइनस में निकाल दिया करते हैं, तो आप उसकी डायरी में दोबारा से एंट्री करवाएंगे कि वीवीपैट बिगड़ने खराब होने के कारण इसका मत दोबारा दिया जा रहा है और वो दोबारा वो मतदान करेगा। अगर मान लीजिए कि जब तक वीवीपैट बदला गया इतनी देर वो व्यक्ति नहीं रुकता है, चला जाता है वहां से, तो उस मत को आप कैंसल मत में लिखेंगे, वहां लिखेंगे वीवीपैट खराब होने के कारण
ये मत जो है वो रद्द किया जाता है। अगर वो हाजिर रहता है तो करेगा मतदान, लेकिन अगर वो चला जाता है तो आप घर से तो बुलाने नहीं जाएंगे, लेकिन वो मत जो है उसको आपको रद्द लिखना है। तो आपके कंट्रोल यूनिट में से जब गिनती की जाएगी तो उसमें एक मत जो है वो रद्द करके माना जाएगा, उसको माइनस करके हम उसकी काउंटिंग करेंगे। एक और जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि कोई इस प्रकार का व्यक्ति भी आपके यहां आ सकता है जो ये कहेगा कि साहब हमने वोट तो दिया लेकिन हमने जिसके नाम की बटन दबाई वोट किसी और के नाम पे चला गया, मैंने स्लिप में देखा कि स्लिप किसी और के नाम की निकली है। ऐसी स्थिति में टेस्ट वोट का नंबर आएगा, इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मान लीजिए आपके मतदान केंद्र पे किसी VIP व्यक्ति का वोटिंग का नंबर हो और वो वहाँ आता है, ऐसी स्थिति में उसके बॉडीगार्ड, उसके अंगरक्षक या कोई भी पुलिस वाला अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जो भी VVIP हो, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो, तो उनको अंदर अकेले ही आना है। और ये आपके पावर्स में है कि आप किसी को भी गेट पे रोक सकते हैं। आपके बाहर का माहौल व्यवस्थित रहे इसकी जवाबदारी कुछ अंश तक आपकी है, लेकिन अगर बाहर कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, भीड़ भाड़ है, ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो ये जवाबदारी आप पुलिस को सौंपेंगे। आप किसी खतरे को मोल लेकर के आप किसी के बीच में झगड़े फसाद में पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। ये जवाबदारी लॉ एंड ऑर्डर बाहर का कायम रखने की जवाबदारी वहाँ जो पुलिस स्टाफ है उसकी है, और ये काम आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए आपके पास इस समय मजिस्ट्रेट के ऑर्डर होते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो आप सूट एंड साइट का भी ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन ये हमारी बुद्धि और उसके ऊपर होता है, इसलिए ऐसे कोई ऑर्डर हम नहीं देते हैं, नहीं, क्योंकि ये हमारी विवेक बुद्धि के ऊपर है। तो खास ख्याल रखिए इन चीज़ों का कि कोई भी VIP आए, कोई भी VVIP आए, उसकी एंट्री अंदर अगर वो आपके मतदान केंद्र का है तो ही होनी है, इसके अलावा वो अंदर नहीं आ सकता है। हाँ, अगर वो आपके क्षेत्र का उम्मीदवार है तो उसको अंदर आने का अधिकार है। प्रत्येक उम्मीदवार का एक एजेंट आपके यहां ऑफिस में बैठा रह सकता है, लेकिन जब वो अंदर बैठा है मतदान केंद्र पे तो उसके पास अपना मोबाइल नहीं होगा, मोबाइल वो बाहर रख के आएगा, उसके पास उसकी बुकलेट होगी, जिस बुकलेट में वो निशान करे जो भी करे वो उसका अपना काम है। ध्यान रखिए एक ही पार्टी के दो एजेंट एक साथ आपके यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, अगर एक एजेंट को अंदर आना है तो दूसरे को बाहर जाना होगा। किसी भी पार्टी के साथ आप कोई भी इस प्रकार का संबंध बनाने की कोशिश नहीं करेंगे जिसकी वजह से आप परेशानी में पड़े। बड़ा ही सुनिश्चित करें कि आप खाने वगैरह की अपनी व्यवस्था स्वयं करें, कोई आपको भोजन वगैरह के लिए बुलाता है, गांव के सरपंच वगैरह होते हैं, कई बार इस प्रकार की व्यवस्थाएं करते हैं, तो आपको उसमें नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन ये आपकी विवेक बुद्धि के ऊपर है, मेरा काम है आपको मार्गदर्शन देना। एक बात और जो बड़ी ही ध्यान देने लायक है वो चीज ये है, इस समय जब आपके यहाँ माइक्रो ऑब्जर्वर हों, जब आपके यहाँ कुछ इस प्रकार की सेंसिटिव बूथ हो और उसकी वीडियोग्राफी चल रही हो, तो आपको ज़्यादा सतर्क और ज़्यादा सावधान रहना होता है। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि 10-5 लोग अंदर आ गए और वो कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, आप तुरंत ही, आपके पास मोबाइल होगा, आप तुरंत ही मोबाइल से फ़ोन करके अपने ऑफिसर्स को बताइए, वहाँ से जो निर्देश आए उनका पालन कीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति कि आपका मोबाइल भी नहीं लग रहा है, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि अपने कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर दीजिए, मतदान की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इसके बाद वो क्या करते हैं, आप अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, आपको किसी के साथ पंगे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कंट्रोल में हो आपके में, तब तक आप उस चीज़ को उस प्रकार से निर्णय लीजिए, लेकिन आपके कंट्रोल से बाहर हो तो आप CU के बटन को स्विच ऑफ कर दीजिए। कोई मत नहीं डाल पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर पूरी प्रक्रिया उनको थोड़ा समय लगेगा। क्लोज बटन मत दबाइएगा, क्लोज बटन जब तक आपको सूचना ना मिले, आपके
ऊपरी अधिकारी आपको सूचना ना दें तब तक क्लोज बटन नहीं दबाएंगे, खाली आप जो पीछे का स्विच ऑफ बटन है उससे आप स्विच ऑफ कर दीजिए, इतना आप कर सकते हैं, ये आपके पावर्स में है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपका कॉन्टैक्ट नहीं होता, कोई बात नहीं होती है, तो आप वहां तक के मतदान को सुरक्षित करने के लिए क्लोज बटन भी दबा सकते हैं कि इतने बजे तक ये मतदान हुआ और यहाँ तक मैंने इसको क्लोज कर दिया क्योंकि स्थिति इस प्रकार की थी। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको आपकी डायरी में लिखनी पड़ेंगी और वो जो भी आप लिखेंगे अगले दिन फिर वहाँ पुनर्मतदान होगा, वो सारी चीज़ें दोबारा से होनी है, ये निश्चित है। शाम के समय जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनकी जवाबदारी कुछ खास बनती है। मान लीजिए कि आपके केंद्र पर लंबी लाइन लगी हुई है तो एक घंटे दो घंटे जितने टाइम तक मतदान चलेगा आपको उस मतदान को चलाना होगा। ऐसी स्थिति में 5 बजे जितने लोग लाइन में खड़े हों, अगर 5 बजे क्लोजिंग टाइम, अगर 6 बजे का टाइम आ गया क्योंकि गर्मी के दिन है तो 6 बजे की भी ये बात आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, 5 बजे तक का टाइम रहता है। 5 बजे का टाइम अगर है तो 5 बजे जितने लोग लाइन में खड़े हों सबसे लास्ट से आप शुरू करेंगे और उसको आप देंगे 1 नंबर और ऐसे फिर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसे अगर 100 लोग खड़े हैं तो जो दरवाजे पे खड़ा होगा उसको 100 नंबर की स्लिप और जो सबसे लास्ट में खड़ा है उसको 1 नंबर की स्लिप मिलेगी और फिर आप 1 नंबर वाला आपके यहाँ मत डालने आ गया, इसके बाद आपका सब कुछ क्लोज हो गया, फिर आप क्लोज बटन दबा सकते हैं, सारी प्रक्रिया आप आगे की कर सकते हैं। तो पूरे दिन के दरमियान जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके भाग में ये कुछ इस प्रकार की जवाबदारियां हैं जो सडनली कभी भी किसी भी रूप में आपके सिर पे आ सकती हैं और आप अगर सावधान हैं, आप अगर अवेयर हैं, आप अगर विश्वास अपने ऊपर आपको है तो जरूर ही आप इन सब चीज़ों को बड़ी आसानी से हैंडल कर पाएंगे। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा VIP आए अगर उसका वहाँ वोटिंग नहीं है तो आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है और अगर वो प्रवेश करने की कोशिश करता है तो ये अनधिकृत उसका प्रयास है। किसी भी पुलिस वाले को आप अंदर नहीं आने देंगे। अगर कोई मीडिया वाला आता है और उसके पास आपके यहाँ आने के लिए परमिशन है, वो परमिशन आपको दिखाता है तो वो इस तरीके से अंदर की वीडियोग्राफी कर सकता है कि मत कुटीर का फोटो उसके पास नहीं आना चाहिए, किसको मत दिया जा रहा वो उसके कैमरे में किसी भी तरह से नहीं आना चाहिए। आप उसको एक एंगल बता देंगे कि भाई इस एंगल से आपको जो भी फोटोग्राफी वगैरह करनी वीडियोग्राफी करनी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके केंद्र पे कौन कौन लोग आ सकते हैं, आपके सेक्टर ऑफिसर, आपके जोनल ऑफिसर जो भी आप उनको बोलते हैं, आपके रिटर्निंग RO, आपके ARO, आपके SO या जो भी अधिकृत जिसके पास अपना आइडेंटिटी कार्ड हो और आप जिससे परिचित ही होंगे, तो ऐसे व्यक्ति आपके केंद्र पे मुलाकात लेने आ सकते हैं। इसके अलावा किसी नेता को, किसी भी राजनेता को अंदर आने की परमिशन नहीं होती है। तो आप अपने पावर्स का प्रयोग करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपनी सत्ता का प्रयोग करें और अच्छे ढंग से अपने काम को अंजाम दें। आपके साथ हमारी शुभेच्छाएं हैं। आपका कार्य आपको स्वयं को संतोष दे, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। और जब हम लोकतंत्र में हैं तो ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है और इस यज्ञ को सफल बनाने में आप जो योगदान दे रहे हैं ये सराहनीय है और इसकी लिखा पढ़ी जो है ना ऊपर वाले के यहाँ अवश्य रहेगी। आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है तो वो सबसे बड़ा धर्म का कार्य कर रहा होता है और धर्म करने से हमेशा पुण्य लाभ होता है और ये हमारे स्वर्ग की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सुख देने वाला होता है। स्वर्ग मरने के बाद नहीं है भैया, यही इसी जीवन में हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धन्यवाद मित्रों, अगला वीडियो टेस्ट बोर्ड किस प्रकार से या उसकी प्रक्रिया क्या है उसको हम